दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे रियल टेक्नोलॉजी चैनल पे। और मैं आज आपको वादे के मुताबिक जियोनी S6 की डिस्प्ले को फोल्डर से अलग कैसे हटाते हैं वो सिखाऊंगा। तो इसको प्रॉपर मैंने हीट कर लिया है, 80 से लेके 110 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और पैड को आपको इस तरीके से इसमें लगाना है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे रख कर इसको आपके इसको वैक्यूम को स्टार्ट करना है सबसे पहले। और ये स्टील वायर को लेकर राउंड करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको पीछे की साइड पत्ता नहीं, जिस साइड पत्ता नहीं रहता उस साइड से, जहाँ से वेब कैम रहता है उस साइड से धीरे 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 लेना है। और याद रखना, कभी कभी निकालते वक्त इसका पोलराइजर भी ब्रेक हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी गारंट, इसकी आपको कस्टमर से पहले रिस्क लेनी होती है, ठीक है। तो ये वैसे तो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन पोलराइजर कटने के कारण से हमको जो फिल्म है वो प्रॉपर नहीं दिख पाती है। लेकिन पोलराइजर को चेंज किया जाता है दोस्तों, उसके लिए हमें ओसिलेटर मशीन की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी डिस्प्ले की पंचिंग एंड बबल रिमूविंग की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेस नहीं करें, नीचे की ओर वायर को रखें, जिससे पोलराइजर कटने की आशंका 1% रह जाए, ठीक है। आजकल मार्केट में दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न्यू रिपेयरिंग का क्षेत्र हो चुका है, तो इस प्रकार की रिपेयरिंग्स का फील्ड चल चुका है, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं यार, फोल्डर उनको महंगा पड़ता है तो वो फोल्डर पूरा नहीं डलवा पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनकी डिस्प्ले का ओनली ग्लास चेंज करके देंगे तो हम काफ़ी अच्छी अर्निंग कस्टमर से कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों टाइम लगता है, पेशेंस रखना लगता है, पेशेंस इनको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी काम आसानी से और इजीली नहीं किया जा सकता। अब देखें मैं किस तरीके से इसकी डिस्प्ले को बहुत ही आसानी से रिमूव कर रहा हूँ। ये मॉडल जियोनी S6 का है, ठीक है। ये देखिए, तो ये अलग हो चुकी है और बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई भी पोलराइजर नहीं कटा है, आप देख सकते हो। मैं इसका वैक्यूम बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका ग्लास भी दिखा देता हूँ, ये ओनली ग्लू है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले को हटाने के बाद कस्टमर्स क्या है कि सर इसका ग्लू कैसे रिमूव करें, वाई दिस रिमूव फ्रॉम ग्लू। तो इसको हम ऐसे रख के, नॉर्मल हीटिंग रखकर, वैक्यूम को स्टार्ट रखकर, हीटिंग भी होता रहेगा, ठीक है। वैसे तो इसके केमिकल्स भी आते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 इस प्रकार से इसके ग्लू को रिमूव कर सकते हैं, ये इजीली रिमूव हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और रिमूव करने के बाद इसमें फाइनल टच देते हैं। वैसे तो मार्केट में ग्लू रिमूवर ऑल केमिकल्स आते हैं, जिनके माध्यम से आप ग्लू को भी रिमूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका ग्लू रिमूव हो रहा है, और किसी भी प्रकार से इसका कोई भी पोलराइजर या कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। बाद में इसको आप फाइनल टच दे सकते हैं ओसीए लगाने के लिए। फाइनल टच आप किसी भी प्रकार के दे सकते हैं, जिससे हम इसमें ओसीए लगाएंगे केमिकल से या फैलकॉन से इसको क्लीन करके। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको, ये मैंने आपको बताया है आज आपका भाई दीपक, कि किस प्रकार से मोबाइल के ग्लास को डिस्प्ले से अलग हटाया जाता है, ठीक है। ये ओल्ड डिस्प्ले थी, मैंने आपको जिस तरीके से बताया आपको उसी तरीके से वर्क करना है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।